फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान के 25 महत्वपूर्ण वायरल प्रश्न को देखेंगे, जो आपके 2024 के बोर्ड के एग्जाम में 100% फ्रेंड्स आने वाले सवाल हैं। फ्रेंड्स, आप इन प्रश्नों को जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, आपके पेपर में सेम टू सेम यही प्रश्न छपने वाले हैं, जिससे आप बोर्ड के एग्जाम में सामाजिक विज्ञान में आसानी से 70 में 70 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके सामने यह पहला सवाल है, जो आपके बोर्ड के एग्जाम में ये प्रश्न जो है 2 से 4 बार कम से कम रिपीट हो चुका है। फ्रेंड्स, जितने भी प्रश्न आपको 25 क्वेश्चन कराने वाले हैं, यह आपके बोर्ड के एग्जाम में कई बार रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, पहला सवाल आपका क्या है कि पेरियार रामास्वामी नायक कौन थे। ठीक है, जिसका ऑप्शन है, ये एक वैज्ञानिक थे, या शिक्षाविद थे, या समाज सुधारक थे, या लेखक थे। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान दीजिएगा कि जो पेरियार रामास्वामी जो नायक थे, एक समाज सुधारक थे। इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसको आप जरूर याद रखिए। फ्रेंड्स, आपका अगला सवाल है जो आपके सामने है। देखिए फ्रेंड्स, ये भी आप प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, ये भी प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में 2 से 3 बार रिपीट हो चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जितने भी प्रश्न कराने वाले हैं फ्रेंड्स, आपके एग्जाम के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसका एक भी क्वेश्चन आप स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, देखिए दूसरा नंबर का सवाल क्या है कि वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे। ऑप्शन है, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, या सोहनलाल द्विवेदी थे, या बंकिम चंद्र चटर्जी थे, या रामधारी सिंह दिनकर थे। तो फ्रेंड्स, देखिए आपका क्या है कि जो वंदे मातरम गीत है, इसके जो रचयिता थे बंकिम चंद्र चटर्जी जी थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इस प्रश्न को आप जरूर याद रखिए। ठीक है, आपका अगला नंबर का सवाल है फ्रेंड्स, देखिए हिंद स्वराज, देखिए आपके पेपर में कई बार रिपीट हो चुका है, 2 से 4 बार ये भी प्रश्न रिपीट हो चुका है। यह आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए VBI प्रश्न है फ्रेंड्स, कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन है, सरदार पटेल है, या बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, या सुभाष चंद्र बोस। तो फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा कि हिंद स्वराज पुस्तक के जो लेखक है महात्मा गांधी जी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला नंबर का सवाल है फ्रेंड्स, देखिए आपके बोर्ड के एग्जाम में कितना बार पूछा होगा। आप पेपर देखे होंगे तो आप उसमें देखे होंगे कि यह प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, देखिए चौथा नंबर का क्या है कि करो या मरो का नारा किसका था। ऑप्शन है, सुभाष चंद्र बोस जी, चंद्रशेखर आजाद का, भगत सिंह का, या महात्मा गांधी का। देखिए फ्रेंड्स, आपका महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आपका अगला नंबर का सवाल है, पांचवा नंबर का है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, ऑप्शन क्या है आपका कि 1885 में हुआ था, 1904 में, या 1857 में, या 1855 में। तो फ्रेंड्स, देखिए आप सीधे इसको याद रखिएगा, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी जो स्थापना हुई थी, आप याद रखिएगा कब हुआ था फ्रेंड्स, 1885 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपका अगला नंबर का सवाल है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। ठीक है, जब आपका प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें कब हुआ था फ्रेंड्स, तो आपका 1910 है, 1911 है, या 1914, या 1920। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसका सही जवाब देखिए क्या होगा। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था आपका 1914 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला सवाल है फ्रेंड्स, देखिए क्या है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। ठीक है, देखिए महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से जब भारत आए तो कब आए थे फ्रेंड्स। ऑप्शन, 1915 में आए थे, 1916, 1918, या 1920। तो फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में भारत में आए थे। कब आए थे फ्रेंड्स, 1915 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा।
ठीक है फ्रेंड्स, आप इसके साथ याद रखिएगा, जब महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे तो उनका प्रथम आंदोलन कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह था। कौन सा सत्याग्रह था फ्रेंड्स? प्रथम जो महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में सत्याग्रह चलाया गया था, चंपारण सत्याग्रह चलाया गया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगले नंबर का सवाल को देखते हैं। आपका अगला नंबर का सवाल है, देखिए क्या है कि भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ चलाया था? फ्रेंड्स देखिए, आपको अभी बताएं कि भारत में जब भारत में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे तो उनका पहला सत्याग्रह जो चलाया गया था, कब चलाया गया था? चंपारण में चलाया गया था, जो बिहार में। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको याद रखिएगा। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ए वाला होगा फ्रेंड्स। इसके साथ में याद रखिएगा बारदोली सत्याग्रह, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व जो किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बारदोली का नेतृत्व किया था। ठीक है, इन प्रश्नों को याद रखिएगा, ये भी आपके बोर्ड के एग्जाम कई बार रिपीटेड प्रश्न है। देखिए फ्रेंड्स, ये नौवां नंबर का जो सवाल है आपके बोर्ड के एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, ये VVI प्रश्न है आपके लिए। क्या है कि असहयोग, देखिए यहाँ पे क्या रहेगा फ्रेंड, अ है ना, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? ठीक है, रॉलेट एक्ट था, प्रथम विश्व युद्ध था, खिलाफत आंदोलन था, या चौरी चौरा की घटना थी? फ्रेंड्स यहाँ पे आप याद रखिएगा, जो असहयोग आंदोलन, पहले तो याद रखिएगा जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था कब चलाया गया था, तो 1920 में चलाया गया था। किसने चलाया था फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी जी। कौन चलाए थे? महात्मा गांधी जी के द्वारा 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया था। किसके खिलाफ चलाया गया था? तो जो फ्रेंड्स आपके भारत में रॉलेट एक्ट आया था, रॉलेट एक्ट जब भारत में आया था फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे रॉलेट एक्ट, और भारत में रॉलेट एक्ट आया कब था? 1919 ईस्वी के करीब में आया था। तो जब भारत में रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में आया था, कि इसके खिलाफ में महात्मा गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया था। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब क्या होगा? ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन सभी जितने भी पॉइंट आपको बोले हैं फ्रेंड, इन सभी पॉइंटों का आप याद रखिएगा, ये भी आपके बोर्ड के एग्जाम में सीधे सवाल पूछते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आप अगला नंबर का सवाल है फ्रेंड्स, देखिए 10वां नंबर का क्या है कि कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन कब अपनाया गया था? तो फ्रेंड्स आपको बताएं अभी कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा, ठीक है, महात्मा गांधी जी के द्वारा 1920 ईस्वी में चला गया, और कब चला गया था इसका महीना भी याद रखिएगा, तो दिसंबर 1920 में, और कहां से चला था फ्रेंड्स, तो इसको भी याद रखिएगा, नागपुर से। कहां से फ्रेंड्स? नागपुर से। तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा दिसंबर महीना में 1920 में नागपुर से यह चलाया गया था। इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन फ्रेंड्स क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, आपका सामने अगला नंबर का सवाल है, देखिए क्या है कि दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स इसका जो अधिवेशन हुआ था आपका, तो अभी देखिए फ्रेंड्स कहाँ पे हुआ था 1920 में? नागपुर में। कहाँ पे हुआ था फ्रेंड्स? नागपुर में। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, आपका डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट। चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपका अगला नंबर का सवाल है फ्रेंड्स कि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो फ्रेंड्स अभी बताएं कि असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में नागपुर से प्रारंभ किया गया था, कब हुआ था? ठीक है, 1920 और दिसंबर महीना में किसने किया था? महात्मा गांधी जी द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए आपका अगला नंबर का सवाल है 13 नंबर का, यह भी आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा VVI प्रश्न है। देखिए क्या है कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ था? ऑप्शन है 1920 में, 1921 में, 1922 में, या 1925 में। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा जो चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था 1922 ईस्वी में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपका अगला नंबर का सवाल है 14वां नंबर का कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो फ्रेंड्स जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था
इसको आपको याद रखना है। चलिए पहले इसके ऑप्शन को देखते हैं, 1918, 1919, 1920 या 1921। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को देखते हैं, 15वां नंबर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल VBI प्रश्न है फ्रेंड्स ये भी। फ्रेंड्स जितने भी प्रश्न आपको करा रहे हैं, आप प्रश्न को देख रहे होंगे, सब VBI प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए। देखिए क्या है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां किसने चलवाई? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है, माउंटबेटन ने चलवाया था, लॉर्ड इरविन ने चलवाया था, लॉर्ड डलहौजी ने चलवाया था या जनरल डायर ने। तो फ्रेंड्स देखिए जालियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ तो 1919 ईस्वी में हुआ था। किसने चलवाया था? डायर साहब ने चलवाया था। किसने चलाया? डायर ने चलवाया था। इस प्रश्न का सही जवाब होगा डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जनरल डायर जो थे जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां चलवाई थी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपका अगला नंबर का सवाल है कि महात्मा गांधी का विचार था। ऑप्शन पढ़िए फ्रेंड्स कि महात्मा गांधी जी का विचार क्या था। पहला ऑप्शन है, धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका है कि धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं है। तीसरा ऑप्शन है, धर्म और राजनीति अलग अलग हैं। डी वाला ऑप्शन है, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए फ्रेंड्स महात्मा गांधी जी का जो विचार था, उन्होंने कहा था कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन होगा। फ्रेंड्स ये आपके 2023 के बोर्ड के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपका अगला नंबर का सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया था? तो फ्रेंड्स देखिए ऑप्शन है, 1942 में, 1920 में, 1929 में या 1930 में। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे क्या है कि जो पूर्ण स्वराज भारतीय का राष्ट्रीय कांग्रेस ने लक्ष्य कब रखा था फ्रेंड्स, 1929 ईस्वी का लक्ष्य रखा था कि 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। तो कब था? 1929, इसको याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपका 18वां नंबर का सवाल है, देखिए क्या है कि साइमन कमीशन का विरोध करते हुए निम्नलिखित में से कौन पुलिस की लाठियों के प्रहार से शहीद हुआ था? VBI प्रश्न है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि जब भारत में जब साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था उस समय पुलिसों ने बहुत ज़्यादा लाठी चार्ज किया था, उस समय कौन शहीद हुआ था फ्रेंड्स? तो ऑप्शन है, मोतीलाल नेहरू थे, लाला लाजपत राय थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे या देशबंधु चित्तरंजन दास थे। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? लाला लाजपत राय थे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपका अगला नंबर का सवाल है जो 19 नंबर का है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया था? यह भी आपके एग्जाम के लिए VBI प्रश्न है फ्रेंड्स, क्या है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया था? तो 1914, 1928 या 1930। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, ये याद रखिए, किसके द्वारा चलाया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। कब चलाया गया था? तो 1930 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपका 20वां नंबर का सवाल क्या है, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया था? VBI प्रश्न है फ्रेंड्स, यह भी प्रश्न आपके 2023 के बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया था। ऑप्शन है, यरवदा से, डांडी से, लाहौर से या चंपारण से। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा, कहाँ से प्रारंभ किया था? तो डांडी से। तो महात्मा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया? डांडी से। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपका अगला नंबर का सवाल है, गांधी जी ने डांडी यात्रा की थी। तो फ्रेंड्स अभी आपको पढ़े हैं, अभी प्रश्न का उत्तर भी दिए हैं कि जब नमक सत्याग्रह किया गया था तो कहाँ से प्रारंभ हुआ था? डांडी यात्रा। किसके लिए था फ्रेंड्स? नमक कानून तोड़ने के लिए। इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपका अगला नंबर का 22वां नंबर का है, किस भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी की प्रसिद्ध
डांडी मार्च से हुआ, किसके लिए हुआ था फ्रेंड्स? तो ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ा आंदोलन। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब याद रखिएगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपका अगला नंबर का सवाल है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में किसके साथ शुरू किया गया था? ठीक है, ऑप्शन है रोलेट एक्ट सत्याग्रह था, चंपारण आंदोलन था, डांडी मार्च था या खिलाफत आंदोलन। इसका सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स? अभी पढ़े हैं कौन सा था, डांडी मार्च महात्मा गांधी जी के द्वारा चल रहा था और किसके खिलाफ चल रहा था, नमक कानून के खिलाफ चल रहा था। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपका अगला नंबर का सवाल है, ये भी वीवीआई जितने भी प्रश्न कर रहे हैं फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे होंगे देख रहे होंगे कितने इंपॉर्टेंट सभी सवाल है। ठीक है, देखिए क्या है कि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, ज्योतिबा फूले या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो फ्रेंड्स देखिए बारदोली सत्याग्रह जो किसके नेतृत्व में हुआ था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपका अगला नंबर का सवाल है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? ठीक है, ये आपके बोर्ड के एग्जाम में 2 से 3 बार ये प्रश्न रिपीट हो चुके हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन क्या है, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन जो है आपका बाल गंगाधर तिलक का था। इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके 25 महत्वपूर्ण वायरल प्रश्नों को देखें, इसी में से फ्रेंड्स आपको गारंटी देते हैं कि आपके बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न छपेंगे। ठीक है, और फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड के पास शेयर करें।